विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं आज, बीए पार्ट जो थर्ड है उसके पेपर फर्स्ट हिस्ट्री इसका, और इसमें भी आज हम यूनिट जो 5 है उसका अध्ययन करेंगे, 5वीं यूनिट का। अब इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है 1920 से 1947 के मध्य स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें क्या है कि भारत में जो राष्ट्रीय आज़ादी के लिए प्रयास किया गया 1947 ईस्वी में वो प्रारंभ होता है 1920 ईस्वी में, और 1947 ईस्वी तक वो जारी रहता है। तो इसमें भारत में इस समय या इसके पहले 1920 से 1947 के मध्य कई राष्ट्रीय आंदोलन चले। इसके पहले की जो पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि यहाँ पे 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, और उसके बाद में कांग्रेस है वो भारत का प्रतिनिधित्व करने लगी, भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने लगी। कालांतर में उसमें भी विभाजन हो जाता है, एक गरम दल और एक नरम दल, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, दोनों के नेता अलग अलग हैं। अब भारत में जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन होता है, बंगाल विभाजन की घटना होती है, इन कारणों से राष्ट्रीय आंदोलन वो गति पकड़ता जाता है। और 1920 ईस्वी से 1947 के मध्य का एक तरह से इसको गांधी युग भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके पहले जो हम असहयोग आंदोलन पढ़ें स्वतंत्रता आंदोलन में, असहयोग आंदोलन इसमें क्या है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के पहले भी भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि गांधी जी को अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा, जिसमें कुछ मुख्य घटनाएं या मुख्य जो नियम कानून कायदे थे वो ये थे। सबसे पहले कुछ कारण असहयोग आंदोलन के पूर्व के, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तेरह अप्रैल, उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी। इसके अलावा रौलट एक्ट 1919, इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, ये तीन घटनाएं जिनके कारण से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन है वो प्रारंभ करना पड़ा। सर्वप्रथम हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। एक क्या होता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले तो हम इसी को जानते हैं रोलट एक्ट 1919 को। रोलट एक्ट 1919 अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किया गया एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार अंग्रेज जिस भी भारतीय को चाहते, संदेह होने मात्र पर भी, आरोप सिद्ध नहीं होने पर नहीं, संदेह होने पर भी वो किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे, और जितने समय तक चाहते उतने समय तक वो उसको जेल में रखे सकते थे। तो इसमें इसका उन्होंने गलत फायदा उठाया। जो अंग्रेज विरोधी होते भारतीय, जो थोड़ा सा भी उनका प्रतिकार करते, प्रतिरोध करते, उसी को ही वो इस कानून के तहत जेल में डाल देते। तो अंग्रेजों ने इस कानून के तहत पंजाब के, तो इससे पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध जो भावनाएं थी वो व्याप्त होने लगी। इस कानून का जगह जगह पर विरोध किया गया।
इसी कानून के तहत अंग्रेजों ने पंजाब के दो नेता थे, एक सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल, उन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। पंजाब के राष्ट्रीय प्रतिनिधि थे, राष्ट्रीय नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया इस कानून के तहत। तो इसी गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब में जलियांवाला बाग में पंजाब के लोग शांतिपूर्वक सभा का आयोजन कर रहे थे, जिसमें अंग्रेज जो अफसर होता है जनरल डायर, वो आता है अपनी सेना सहित, अपने सैनिकों सहित, और वहाँ पे सैनिकों की कतार बना दी उसने। और कतार बना करके फिर जो शांतिपूर्वक सभा का आयोजन चल रहा था वहाँ पे, उस सभा के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू किया। और इस प्रकार से इस जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, इसमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गए, हजारों घायल हो गए। तो अंग्रेजों की एक बहुत ही गलत जो योजना थी उनकी, कि एक योजना के अनुसार भारतीयों को घेरा गया, कतार बना करके उनकी हत्याएं की गई, गोलियां बरसाई गई, और भारतीयों को, बहुत सारे भारतीयों को कुएं में कूद करके भी अपनी जो जान बचाने के लिए कूदे, लेकिन उनको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, ये जो जलियांवाला बाग था अमृतसर में, उसमें चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई है और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है। तो इस प्रकार से वो कत्लेआम अंग्रेजों ने किया, जिसका संपूर्ण विश्व में इस घटना का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन ये क्या होता है? पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य है। उस प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट बने हुए थे, एक तो मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र के एक तरफ तो जो अलायंस था इनका, जिसमें जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये राष्ट्र थे। ये राष्ट्र एक तरफ है, बाकी यूरोप के राष्ट्र एक तरफ है, 36 राष्ट्र। तो इनके मध्य युद्ध होता है, जिसमें मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, और पराजित जो राष्ट्र होते हैं उनमें तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की गई। और इस सेब्रे की संधि के अनुसार तुर्की का जो खलीफा था, शासक था, वो खलीफा होता था, माना जाता था, संपूर्ण दुनिया में मुस्लिमों का प्रतिनिधि भी था, वो खलीफा था, वो संपूर्ण दुनिया में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सेब्रे की संधि के अनुसार उस खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया, खलीफा का सिस्टम ही समाप्त कर दिया। तो संपूर्ण दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों के विरोधी हुए, आंदोलन किया। इसी क्रम में भारत के किसान, वो मुसलमानों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया, और भारतीय मुसलमानों ने विद्रोह किया, जिसमें उन्होंने, गांधी जी ने भी उनका नेतृत्व किया, और गांधी जी को उन्होंने 1920 में अपना खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अभी सौंप दिया। तो इन तीन घटनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में असहयोग आंदोलन है वो प्रारंभ होता है। इन घटनाओं के कारणों के परिणाम में स्वरूप, तो जब ये प्रथम राष्ट्रीय जो असहयोग आंदोलन है, जिसकी अनुमति 1920 के नागपुर अधिवेशन और 1920 के ही दिसंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अखिल भारतीय असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति कांग्रेस के अधिवेशन में प्राप्त की, और एक मत से कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने की अनुमति उनको प्रदान कर दी। और इस प्रकार से भारत में असहयोग आंदोलन है वो प्रारंभ तो अगस्त 1920 आता, लेकिन एक जनवरी 1921 से इसका क्रमिक रूप से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। और इसमें क्या किया गया असहयोग आंदोलन के तहत, सब सर्वप्रथम कि जिन भारतीयों को अंग्रेजी जो उपाधियां प्राप्त थी, अंग्रेजों के द्वारा सरकारी उपाधियां प्राप्त थी, वो लौटाई गई। सरकारी स्कूलों में उत्सव मनाया जाने लगा अंग्रेज विरोधी। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज थे, उनका त्याग किया गया और आह्वान किया गया कि सरकारी कार्य है उनका बहिष्कार किया जाए, सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं उनका बहिष्कार किया जाए, विद्यार्थी उनमें नहीं जाएं पढ़ने के लिए, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, अंग्रेजों के जो चुनाव होने हैं उन चुनावों का बहिष्कार किया
किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है। और इसके खिलाफ क्या होता है कि लोगों ने जो भी विदेशी वस्त्र वगैरह थे उनको इकट्ठा किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, और उनका जैसे कि नगरों में चौक में उनको इकट्ठा करके उनकी होली जलाई गई, उन विदेशी वस्त्रों में आग लगाई जाती है। तो इन कार्यक्रमों के तहत संपूर्ण भारत में और भारत के अधिकांश लोगों ने, इसमें मजदूर, किसान, विद्यार्थी, महिलाएं, बूढ़े, मध्यम वर्ग, प्रत्येक वर्ग ने इस असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों का असहयोग किया, अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन प्रारंभ किया और ये आंदोलन है राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। और लगने ऐसे लगा, भारतीयों को उम्मीद होने लगी कि अब हम बहुत जल्दी ही स्वशासन प्राप्त कर लेंगे। जब राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम गति पर है, प्रसार होता जा रहा है इसका, अंग्रेज विरोधी भावनाएं भारतीयों में व्याप्त होती जा रही हैं, तो इसी के परिणाम फिर क्या होता है कि भारत में गांधी जी का जो आंदोलन था वो पूर्ण रूप से अहिंसक था। गांधी जी ने पहले ये तय कर लिया था कि मेरे को यह आंदोलन अहिंसक बनाए रखना है, इसमें हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और जब हिंसा यदि होती है तो फिर मैं ये राष्ट्रीय आंदोलन उसको समाप्त घोषित कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि 5 फरवरी ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर इन नेतृत्व आंदोलनकारियों ने क्या किया कि एक पुलिस थाने को घेर करके उसमें आग लगा दी। इसमें लगभग 25 जो पुलिस वाले थे उनकी मृत्यु हो गई। तो गांधी जी को इस चौरा चौरी घटना से बहुत बड़ा आघात लगा और इस राष्ट्रीय आंदोलन ने इस घटना के कारण से हिंसा का रूप धारण कर लिया, इसी स्थान पर और कहीं स्थान पर नहीं। और अंततः गांधी जी ने ये जो असहयोग आंदोलन था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है उसको समाप्त घोषित कर दिया। तो ये था पहला भारत का प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन जिसमें संपूर्ण राष्ट्र ने भाग लिया और अंततः एक हिंसक घटना के कारण इसको समाप्त घोषित करना पड़ता है। तो ये जब राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त किया गया तो भारतीय कई ऐसे नेता जिसमें सुभाष चंद्र बोस में उन्होंने भी गांधी जी की आलोचना की कि इस समय जब राष्ट्रव्यापी जो जागृति है, राष्ट्रवाद, वो भारतीयों में चरम पर है और अंग्रेज विरोधी भावनाएं भारतीयों में बहुत बढ़ चढ़ के व्याप्त होने लगी हैं, जुनून पैदा हो गया कि अंग्रेजों को भगाना है, और जब आज़ादी निकट दिखाई देने लगी तो उस समय गांधी जी ने ये राष्ट्रीय आंदोलन वो समाप्त घोषित किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। तो इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों में बातें उठने लगी कि ये आंदोलन और अधिक हिंसक नहीं हो जाए, इस कारण से गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त किया। चलो जो भी है, ये प्रथम बड़ा आंदोलन था भारत का, अखिल भारतीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, वो है इसके बाद की घटना, भारत में क्या घटता है, फिर चलता जाता है भारतीय जीवन। और उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन और अंग्रेजों ने क्या किया कि जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत में लागू हुआ था उसके विश्लेषण के लिए कि उसके अनुसार क्रियान्वित हो रहा है या नहीं हो रहा है शासन, तो उसको जानने के लिए अंग्रेजों ने 1929 में जो अधिवेशन आना था उसको 1927 में उन्होंने गठित करके और भारत में भेज दिया साइमन कमीशन के नाम से। 1927 ईस्वी में फरवरी 1927 में कमीशन है मुंबई पहुँचता है, फिर जगह जगह पे जाता है अपनी रिपोर्ट्स प्राप्त करने के लिए। तो जहाँ भी ये साइमन कमीशन गया
वहीं पर इसका विरोध किया गया, कठोरता से इसका विरोध किया गया, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो जब ये साइमन कमीशन भारत की यात्राएं कर रहा था, पंजाब में भी ये गया, तो वहां पे विरोध किया गया, लाला लाजपत राय ने उस विरोध का नेतृत्व किया और अंग्रेजों की लाठियां खाते हुए और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। भारतीयों में उग्रता की भावना उत्पन्न होने लगती है और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले ही भारत में एक लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। उसमें क्या होता है कि पंडित नेहरू ने, जो कि 30 दिसंबर या 31 दिसंबर 1930 ईस्वी को आयोजन किया गया, और इसमें पंडित नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और उन्होंने या फिर सभी जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने गांधी जी ने नेहरू जी के नेतृत्व में स्वीकार किया कि अब हम स्वराज्य दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इस समय ये लक्ष्य रख लिया गया कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं हम मांगेंगे, हमें अब अंग्रेजों से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे ये भी डिसीजन लिया गया कि आगे आने वाली जो 26 जनवरी है उस 26 जनवरी को हम संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाएगा। और आगे ऐसा किया भी गया, प्रत्येक आगे आने वाली जो 26 जनवरी थी, प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगता है और एक तरह से राष्ट्रीय पर्व ही वो बन गया। और अब इसके बाद में जो आंदोलन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो दो चरणों में प्रारंभ होता है 1930 से 32, 1932 से 1934। अब गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में ये अनुमति प्राप्त कर ली कि गांधी जी के नेतृत्व में ही भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। कारण ये बनते हैं, लाहौर अधिवेशन है और साइमन कमीशन वगैरह है ये सब। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ होने जा रहा है या होने लगा, तो इसके जो प्रमुख कार्यक्रम थे वो ये निर्धारित किए गए। और उसमें से कुछ कार्यक्रम ये हैं कि संपूर्ण भारत में मदिरा का निषेध किया गया, शराब का निषेध किया गया, अंग्रेजी शराब थी जो अंग्रेजी शराब बनाते थे मुख्य रूप से, उसका निषेध करना है, उसका प्रयोग नहीं करना है। नमक बनाने पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था तो नमक बनाना प्रारंभ किया जाने लगा कि उस कानून को तोड़ते हुए भारतीय लोग नमक बनाएंगे। हम पहले तो ये जान लेते हैं कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने दांडी यात्रा का आयोजन किया और ये दांडी यात्रा भारत में मार्च 1930 में प्रारंभ हुई। ये क्या था, गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट पर स्थित था वहां पर निकले और धीरे धीरे कारवां उनका जुड़ता चला गया। हजारों की संख्या में जब दांडी पहुंचते तो हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ गए। पूरे विश्व का मीडिया उस दांडी यात्रा को कवर करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है और पूरे विश्व में उस दांडी यात्रा का प्रकाशन या फिर उसका प्रसारण किया जाता है। और दांडी पहुंचे गांधी जी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी पहुंच करके वहां पे समुद्र के किनारे से नमक उठाया और इस प्रकार से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की का प्रारंभ किया और अंग्रेजों का जो नमक नहीं बनाने का कानून था उस नमक कानून को तोड़ दिया उन्होंने। और इसके बाद और कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए, नमक कानून को तोड़ा गया, मदिरा निषेध किया गया
और इसके अलावा जो शराब और अफीम है उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। शराब की जो दुकानें थी उसके ऊपर महिलाओं और बच्चों ने धरने दिए और उन दुकानों को बंद करवा दिया। विदेशी कपड़ों की जो दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जाने लगी। बच्चे मोहल्ले के लोगों से है ना एक उत्साह सा बन गया, मोहल्ले के व्यक्तियों से जिनके पास भी विदेशी वस्त्र थे उनसे इकट्ठे किए जाने लगे। चौक में उनके ढेर लगाया गया और उसमें आग लगा दी गई। तो इस प्रकार से ये भी भारतीय बच्चों के लिए और लोगों के लिए एक तरह से उत्सव का सा माहौल बन गया वो। और एक ये भी था कि इसी में चरखा अनिवार्य कर दिया गया कि भारतीय लोग स्वदेशी का प्रयोग करेंगे और स्वदेशी का प्रयोग करने के लिए चरखे से ही वो सूत काटेंगे और सूत काट करके और चरखे के माध्यम से ही वो वस्त्र बनाएंगे और स्वदेशी खादी वस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आंदोलन चलता जा रहा है। और उसके बाद भारत में होता क्या है कि जो लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल है और वो गांधी जी से समझौता करना चाहता है, क्योंकि उसी समय इंग्लैंड में वो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया जाता है जिसमें जो कांग्रेस जो पार्टी थी उसके किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तो वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। तो अब ये जो अंग्रेज हैं वो चाहते हैं कि इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भी भाग ले और इसमें कुछ न कुछ निर्णय निकले। इसके लिए गांधी जी को मनाया जाता है कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करें और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाए। गांधी जी अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं कि मेरी ये मांगे हैं, हमें भारत में डोमिनियन स्टेट चाहिए, संविधान चाहिए, किसानों और मजदूरों उद्योगपतियों के लिए ये इन कानूनों में हमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है, शिक्षा में, इन सब में, चिकित्सा में। तो अंग्रेज उनकी बातों पर सहमत होते हुए और समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी, इस समझौते के अनुसार तय हो जाता है। गांधी जी की बातें मान ली जाती हैं और गांधी जी ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं जहाज के माध्यम से और वहाँ जा कर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और इसमें क्या होता है गोलमेज सम्मेलन में कि वहाँ पे गांधी जी को लोग उत्सुकता से देख रहे हैं। और तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन था उस समय प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जब उसको पता चलता है, अखबार जब नीचे से डाला गया, उसने पढ़ा कि गांधी जी इंग्लैंड आ रहे हैं, तो वो भी अपना रिसर्च छोड़ करके गांधी जी से मिलने आया, क्योंकि गांधी जी उस समय विश्व में प्रसिद्ध हो चुके थे कि एक ऐसा बिल्कुल पतला सा हार्ड मास का जिसके पसली अभी हम गिन सकते हैं, एक लाठी है उसके पास में और एक धोती पहनता है और एक चश्मा है, बस एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को हिला के रख दिया गया है। तो अंग्रेजी मीडिया में भी उसका बहुत सा प्रचार प्रसार किया गया उनके पहुंचने का। और जो अंग्रेजों का जो सेंट पॉल पैलेस था वहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया और उसमें गांधी जी ने भाग लिया। जो उस समय विंस्टन चर्चिल था विपक्ष की पार्टी में, उसने अंग्रेजों की इस नीति की आलोचना की कि क्यों अंग्रेज सरकार इस अदनंगे फकीर को इतना महत्व दिया दे रही है। और इस प्रकार से वो सम्मेलन होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, वो भी असफल हो गया, कोई निर्णय उसमें नहीं निकल पाया। और बाद में तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी होता है, इसमें भी जो कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया और गांधी जी की बातों को वहां पे माना नहीं गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और अंततः गांधी जी लौट आते हैं वहां से और वापस आकर के उन्होंने भारत में ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस प्रारंभ कर दिया। 1 जनवरी 1932 ईस्वी को लेकिन अब दोबारा से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया उस समय उनको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई और अंततः 1934 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वो वापस से
सविनय अवज्ञा आंदोलन वो वापस से ले लिया। लेकिन फिर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों को एक राष्ट्रीयता की भावना उन्होंने जगाई। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।